नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुश होगे। तो आज लगभग 15 से 18 दिन के बाद दिल्ली में धूप निकली है और मस्त धूप निकली है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी धूप है और इस टाइम सुबह के 11:30 के करीब टाइम हो रहा है। सिस्टी बैठी हुई है, अपनी क्लास ले रही है। ठीक है, हाय बोल दो बेटा। हाय। और छत की जो है मैंने अच्छे तरीके से सफाई कर दी है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कोशिश करूँगी वीडियो लगातार आए, अगर हफ्ते में 2 बार वीडियो नहीं आए तो 1 बार ज़रूर आएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करना है, अभी टाइम लगेगा, किसी भी चीज़ को करने में एकदम फटाफट नहीं हो जाती है, टाइम लगता है। तो धूप तो मज़ेदार वाली निकली है और मन इतना खुश हो गया ना आज की, सुबह से ही काम कर लिए, सारे काम हो गए, आज कुछ भी नहीं बचा है, बस खाना बनाना है। खाना हम बिल्कुल टाइम पर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सुबह 10 बजे बनाकर रख दो और खाना हम 1 बजे खाओ। जब हमें खाना खाना होता है तभी हम खाना बनाते हैं। मान लीजिए हम 1:30 बजे खाना खाएंगे तो मैं 1 बजे से अपना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। खाना बनाने में कोई 10-20 घंटे या 5-4 घंटे नहीं लगते हैं। अगर आप तरीके से काम करोगे तो आपका खाना आधे घंटे में बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए छत दिखाती हूँ अपनी, कैसे कैसे क्या क्या किया है मैंने। और आज का जो वीडियो है या फिर आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ गार्डन के ऊपर ही है। तो ये रखा है मेरा पोंचो जो मैंने बनाया था। धूप तो आप देख ही रहे हो, सिस्टी अपना काम कर रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो गार्डन के ऊपर ही है आज का वीडियो। तो ये देखिए गार्डन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, अभी तो धूप की वजह से सब अच्छा ही हो जाएगा। अभी तक भी अगर कुछ चीज़ें ख़राब थी तो वो अच्छी हो जाएगी। क्रिसैंथेमम तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, मिर्च भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। सारे प्लांट जो हैं, कुछ प्लांट तो जो परमानेंट प्लांट होते हैं ना, वो डोरमेंसी में गए थे, अब धीरे धीरे वो मतलब कि बाहर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम दिन भर काम करते हैं और रात को हम आराम करते हैं, सोते हैं, वैसे ही हमारे सारे प्लांट्स होते हैं, वो भी पूरे साल आपको लगभग मैं बोलूँ तो 8-9 महीने अपना पूरा फ्लावरिंग देते हैं, फ्रूटिंग देते हैं, और वो विंटर में मुश्किल से 2 से 2.5 महीने वो आराम करते हैं। तो ब्रिंजल कैसा लगा ज़रूर बताना, एक ही प्लांट है। और मेरे चैनल पर जाइए, सिस्टी के तिवारी चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर आप कैसे ये सब ग्रो कर सकते हो वो सब कुछ बताने वाली हूँ। यहाँ पर एक और बर्ड बनी हुई है, पास से दिखा देते हैं आपको। दिख गई क्या? हाँ जी दिख गई है। ठीक है, तो बहुत अच्छे प्लांट की कंडीशन तो मैं नहीं बोलूँगी, डोरमेंसी में सारे प्लांट थे, अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। छत देख लीजिए मैंने साफ़ कर दी है, सुबह जब धूप देखी ना आहा मज़ा ही आ गया। धूप देखते ही मुझे समझ आ गया आज धूप बड़ी अच्छी निकलेगी और मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर लूँ। ये छत मतलब 15-20 दिन से इतनी बारिश हुई, आप सबको पता है 15-20 दिन से मैंने छत पर कुछ भी नहीं किया था। ऊपर आते ही है मैं कांप जाती थी, इतनी ठंड लगती थी, इतनी हवा चलती थी। देखिए जब धूप अच्छी निकलती है ना तो हवा भी कुछ नहीं करती हमारा, और जब धूप ना निकले तो फिर तो बैंड ही बजी जाती है। तो ये देखिए ये है डबल बैक बोन, नीचे मैंने क्रिसैंथेमम की कटिंग लगा रखी है। और मैं आपको दिखाने वाली थी कि प्लांट कैसे अपनी डोरमेंसी में से निकलते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्लांट ढूंढ रही हूँ मैं जिसको देखकर आपको बता सकूँ कि कैसे डोरमेंसी में से प्लांट बाहर निकलते हैं। अभी जब मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम सिर्फ ध्यान सिर्फ झाड़ू पे ही रहता है कि जल्दी से झाड़ू लगाओ, अपना काम निपटाओ। ठीक है, ये देखिए प्लांट हमें मिल चुका है। यहाँ पीछे की तरफ आपको ये दिख रहा है ना, ये बेबी टीयर्स प्लांट है और मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। ठीक है, इसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये गिफ्ट दिया था जेठ जी ने। तो ये देखिए ये डोरमेंसी में से निकल चुका है। ठीक है, चलिए और भी देखती हूँ कुछ प्लांट जिस पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी। आप कैसे समझोगे कि आपका प्लांट डोरमेंसी में से बाहर निकल गया है? इस तरह से जब उस पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब है वो डोरमेंसी में से बाहर निकल चुका है। आपको अपने गार्डन में इस टाइम पे क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए, जो लीव्स इस तरह से पीली हो गई हैं उनको आपको हटा देना चाहिए। देखिए लीव्स आराम से नहीं झट रही है, क्योंकि मैं सुबह जब मैंने साफ़ सफाई की थी, ये देखिए इस तरह से जो लीव्स झट रही है आप उनको हटा दीजिए, और ये देखिए जो निकलती है उसको निकाल दीजिए। तो जब मैं साफ़ सफाई कर रही थी मैंने गार्डन में चारों तरफ नज़र मार के ये सब कर दिया था। और ये देखिए ये वाला प्लांट एरेंथिमम नाम है इसका, और ये प्लांट इस टाइम गुड डोरमेंसी में से बाहर निकल चुका है, इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से आप समझ सकते हो कौन सा प्लांट बाहर निकल गया है डोरमेंसी में से। तो ये वाला देखिए हमारा, ये देखिए नाइट जैस्मिन का प्लांट है ये, और ये देखिए ग्रोथ दिख रही है ना आपको, ये भी डोरमेंसी में से बाहर आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट हैं, आप उनकी ग्रोथ देख कर समझ सकते हो। चलिए आगे दिखाती हूँ मैं, यहाँ नहीं है, चलिए यहाँ देखिए, ये मैंने कटिंग लगाई थी और ये कटिंग है हमारी येलो ट्रम्पेट वाइन।
ठीक है, येलो ट्रम्पेट वाइन की कटिंग है और आप देख सकते हैं इस पर नई ग्रोथ आपको दिख रही है ना, तो इसका मतलब कि ये डोरमेंसी में से बाहर आ चुका है। तो ये तरीका होता है अपने प्लांट को पहचानने का कि वो डोरमेंसी में है या डोरमेंसी से बाहर आ चुका है। रकून क्रीपर जिसे हम मधुमालती बोलते हैं, ये देखिए नई ग्रोथ आपको दिख रही है ना, तो आपको अपने गार्डन में क्या करना है दोस्तों, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो जितनी भी लीव्स अगर झड़ रही हैं तो आप उनको हटा दीजिए। ये देखिए इसका वीडियो है चैनल पर, कैलेंडुला लवली फ्लावर है आप देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से फ्लावर झड़ चुका है और इसके बाद इसके अंदर इसके सीड होंगे। बारिश की वजह से सभी प्लांट की बैंड तो बची ही हुई है इस बार, तो बर्ड बहुत सारी हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर भी तीन बर्ड हैं और यहाँ पर भी एक पीछे की तरफ दिख रही है और यहाँ नीचे की तरफ भी तीन बर्ड हैं। तो कैलेंडुला को आप अभी भी लगा सकते हो, कारण ये है कि ये अभी भी आपको मार्च तक फ्लावरिंग देगा। ठीक है, अभी फरवरी आई नहीं है, फरवरी और मार्च दो महीने काफ़ी हैं इसके लिए। ठीक है, तो जो प्लांट लीव्स है उसकी आप, जिसकी येलो होकर झड़ रही है, आप उसको काट दीजिए, हटा दीजिए। और जिस प्लांट पर आपको लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल डेड है और इस पर तो कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, जैसे कि ये देखिए अपराजिता का प्लांट है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी कटाई छटाई कर लूँगी। ठीक है, जितने भी प्लांट आपको लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल सूख चुके हैं, तो उनकी आपको कटाई छटाई कर देनी है। जितना आप कट करोगे, मान लीजिए आपने इसको यहाँ से कट करा, ठीक है, यहाँ से कट करोगे तो यहाँ से दो ब्रांच निकलेगी। इसका एग्ज़ाम्पल बहुत है मेरे पास, आपको दिखाती हूँ कहीं से। ठीक है, तो यहाँ देखिए वो भी डबल चांदनी का प्लांट था और ये भी डबल चांदनी का प्लांट है। ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैक डॉट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये मैंने यहाँ से कट किया था, तो ये लाइव एग्जांपल दिखा रही हूँ। यहाँ से दो ब्रांचेस इसकी निकली हैं। ठीक है, यहाँ दिखाती हूँ, ये है हमारा कनेर का प्लांट, ये देखिए। ठीक है, कनेर के प्लांट को देखिए मैंने यहाँ से कट किया था, ठीक है, रेनी सीजन के पहले। तो आप देखो कितनी ब्रांच निकली यहाँ से, 1 2 एंड ये पीछे की तरफ से एक और 3 ब्रांच निकली हैं। तो किसी भी प्लांट को ही कटाई छटाई करने से आप डरा मत करो, कटाई छटाई जितनी करोगे उतना अच्छा है, उतने बहुत सारे आपकी ब्रांचेस निकलेंगे और जितनी ब्रांचेस निकलेगी उतने ही उन पर फ्लावरिंग आएगी। चंपा इस बार मेरे गार्डन में बहुत अच्छा बना हुआ है। इस बार मेरे पास चंपा के 4-5 प्लांट है, जैसे कि ये एक बड़ा प्लांट है, एक वहाँ लगा हुआ है और एक बड़ा जो मेरा प्लांट है उसकी लीव्स झड़ चुकी है। डोंट वरी, जल्दी ग्रोथ पर आ जाएगा। ये देखिए सारा ये गंजा हो गया है, बट आप देख सकते हो इस पर भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। डरिए मत, सब अच्छा हो जाएगा, मौसम का ज़रा सा चेंज होने की ज़रूरत है। और वहाँ पर ऊपर की तरफ अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो वहाँ पर भी मेरा एक चंपा का प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट हैं सब अच्छे चल रहे हैं, कुछ वेजीज भी हैं। तो ये है हमारा कलाडियम, इसकी अभी ज़्यादा बारिश की वजह से ये थोड़ा परेशान है बेचारा, क्योंकि इसको ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए, बहुत ही लिमिटेड इसको वाटर चाहिए। जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं, उनको वाटरिंग थोड़ी सी कम चाहिए। ठीक है, वाटर कम चाहिए उनको, भर भर के वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमारा टमाटर का प्लांट लगा हुआ है। इस बार गार्डन में धूप नहीं आई है, तो इस बार गार्डन में मेरे वेजीज भी नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने लगाई नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ साइड करके दोस्तों। तो आप ये देखिए यहाँ पर मेथी लगा रखी है मैंने, ये भी मेथी लगा रखी है, देखिए परमानेंट प्लांट है। ठीक है, उसी में मैंने मेथी लगा दी है, बिल्कुल भी बहाना नहीं चलेगा। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो यूँ सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो पॉट नहीं है, अब हम क्या करें, हम कहाँ लगाएँ, तो देखिए एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रही हूँ। यहाँ पर मेरे दो प्लांट है, एक ये लगा हुआ है, ये देखिए करी पत्ते का है, और यहाँ पीछे की तरफ मैंने एक बल्ब लगा रखा है, और ये जो जगह खाली पड़ी थी मैंने इसमें मेथी लगा दिया। तो बहाना मत किया कीजिए, कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ करने का, गार्डनिंग करिए, बहुत ही मज़ा आता है, मैं सच बता रही हूँ आपको, करके देखिए। एक्सपीरियंस थोड़ा धीरे धीरे आता है, एक बार हम किसी भी काम को करते हैं सफलता नहीं मिलती तो उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, पड़े रहो उसके पीछे, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये एक कैन थी, मैंने कबाड़ी से ली थी, हस्बैंड ने लेके दी थी हालांकि, तो इसमें हमने टमाटर लगाए थे, बड़ी मुश्किल से ये टमाटर हुए हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बर्ड दिख रही होगी, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पीछे की तरफ ये बेचारे धूप से परेशान थे, सिंगोनियम, इनको मैंने अभी लाया है। और यहाँ देखिए फ्लावर आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, और ये बर्ड बनी हुई है। ये है हमारा पूरे साल फ्लावरिंग करता है, रोज़ का प्लांट है, और इसको जब मैंने ख़रीदा था तो उन्होंने बोला था कि ये बटन रोज़ है। ठीक है, तो कटाई छटाई कर दी आपने, ठीक है। कटाई छटाई करने के बाद आप क्या करोगे, अपने प्लांट की मिट्टी जो है, मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए अच्छे से, ठीक है,
गुड़ाई करने के बाद आपको वाटरिंग नहीं करनी है। देखिए मेरे तो जितने भी प्लांट लगे हुए हैं, पॉट हैं, आपको सब में दिख रहा होगा कि उसमें काई भरी पड़ी है। भाई इतनी बारिश होगी और मतलब 15-20 दिन से इनका वाटर सूखा ही नहीं है, मैंने वाटरिंग की ही नहीं है, तो बताइए फिर प्लांट की क्या गलती है इसमें, ठीक है ना। जब पानी सूखता ही नहीं है, बारिश इतनी हो रही है, हफ्ते में 2-2 दिन बारिश हो रही है, तो फिर बेचारा प्लांट क्या करेगा। तो ये गुड़ाई कर दोगे ना, तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो देखिए मेरा होममेड टूल है, ये मेरा कांटा है, बहुत मजबूत है, मतलब बिल्कुल हार्ड है, मैं इसे कहीं भी खोद सकती हूँ और कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो देखिए आपको ऐसे अपने प्लांट को बचाते हुए साइड साइड से इस तरह से यहाँ पे आपको गुड़ाई कर देनी है। तो इसमें देखिए मेरे यहाँ पर कुछ प्लांट लगे हुए हैं, सीड डाले थे टोमेटोज़ के, तो ये लगे हुए हैं, तो आपको यही करना है, ठीक है। इस तरह से गुड़ाई कर दोगे ना, तो ये जो काई वाई लग चुकी है ना, ये हट जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ऊपर की जो लेयर जम जाती है ना, ऊपर की हार्ड मिट्टी हो जाती है, तो आप उसको अगर गुड़ाई कर दोगे ना, तो फिर वो हट जाएगी और फिर हम इसमें जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या वाटरिंग करेंगे तो वो नीचे तक जाएगा, ठीक है। आपको ये करना है और हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है अपने सभी प्लांट पर, कोई भी प्लांट हो, चाहे सीज़न जब भी बदलता है, जैसे हम बीमार हो जाते हैं वैसे ही हमारे प्लांट भी हैं, चाहे वो सीजनल हो या परमानेंट हो, तो उनको भी थोड़ा सा मौसम का इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, तो आपको उनमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। वाटरिंग बहुत ध्यान से करनी है, ऊपर की लेयर अगर आपकी सूख जाती है मिट्टी की, तभी आपको उसमें वाटरिंग करनी है, नहीं तो मत कीजिए। चाहे 2 दिन हो, चाहे 4 दिन हो, चाहे हफ्ता क्यों ना हो जाए, मिट्टी की लेयर सूखेगी तभी आपको वाटरिंग करनी है, ठीक है। हमने नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया, हमने गुड़ाई कर दी। लिक्विड फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं चैनल पर, आज ही मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ और उसका लिंक मैं दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको हफ्ते में या 10 दिन में एक बार ज़रूर देना चाहिए और हमेशा बदल बदल कर देना चाहिए, जैसे कि हम बदल बदल कर खाना खाते हैं या बदल बदल कर सब्जी बनाते हैं, तो बिल्कुल वही सेम मेथड जो है वो प्लांट पे भी होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बदल बदल कर देते रहिए। नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दिया, उसके बाद आपको नीम ऑयल का स्प्रे आपने जिस दिन किया उसके 4 से 5 दिन के बाद, या तो आप एप्सम सॉल्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए उसका स्प्रे कर दीजिए, या आप बनाइए अपना जो हमारी हल्दी होती है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। जितने भी फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत अच्छे हैं। हाँ एक और बात मैं बताना भूल गई हूँ, जैसे कि क्योंकि बारिश हमेशा नहीं होती है इसलिए मैंने इस पॉइंट को स्किप कर दिया है, बट फिर भी बता देती हूँ, जैसे कि अगर अभी भी दोबारा कभी बारिश होने लगे और हमारे प्लांट बहुत उनकी हालत कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो आप क्या करोगे, जिस दिन बारिश रुक जाएगी उसके अगले ही दिन या उसी दिन आपको फंगी पाउडर का स्प्रे करना है, फंगी पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट में फंगस लगने का डर नहीं रहेगा। पहले फंगी पाउडर का स्प्रे कर दीजिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, उसका उसके बाद नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और उसके बाद जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालोगे उसके 2 से 3 दिन के बाद, जब आपको लगे कि प्लांट की मिट्टी सूख गई है, तो आप उसमें खाद डालोगे, सॉलिड खाद डालोगे। सॉलिड खाद कौन सा होता है, सिस्टी के टिवाड़िया चैनल पर जाना, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन समझ आ गई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह के गार्डनिंग से जुड़े हुए अगर आपको वीडियो देखने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। छोटा सा व्लॉग था, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।